हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर नॉन फैकल्टी पोजीशंस। तो चलिए नोटिफिकेशंस को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पोस्ट एंड क्या ग्रुप रहने वाला है, पे स्केल कितना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्ट जो है वो है रजिस्टर की पोस्ट, जो कि ग्रुप ए का पड़ता है एंड लेवल 12 का पे स्केल रखा गया है, 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ये भी ग्रुप ए का पोस्ट है, लेवल 11 का पे स्केल रखा गया है, 2 वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि ग्रुप ए पोस्ट है, लेवल 10 का पे स्केल है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, जो कि ग्रुप बी का है, लेवल 6 का यहाँ पे स्केल रखा गया है, 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 का यहाँ पे स्केल रखा गया है, 1 वैकेंसी है। एंड टेक्नीशियंस, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस है, वो भी ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 का आपको पे स्केल दिया जाएगा। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 4 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी अगर देखे तो फिर 10 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है, 10 वैकेंसीज है टोटल। ठीक है, उसके बाद जनरल कंडीशंस एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे जो भी पोस्ट मैंने बताया सभी यहाँ पे टेंटेटिव है, तो बाद में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सैलरी के साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस आपको दिया जाएगा, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसीलिए सैलरी के साथ साथ बहुत सारे फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको आपको अच्छे से फिल करना है, देन आपको सेंड कर देना है विद ऑल योर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे चेकलिस्ट बना हुआ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड देन आपको सेंड कर देना है इसी एड्रेस में, यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है इसी एड्रेस में आपको सेंड कर देना है। ठीक है, लास्ट डेट मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए एनवेलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, ये बहुत ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑन डेपुटेशन बेसिस एट एम्स नागपुर, तो ये नोटिफिकेशन जो है एम्स नागपुर की तरफ से आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। एंड यहाँ पे देखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब मेनली जो है ईमेल आईडी, बहुत ही करेक्टली आपको देना है, वैलिड मेल आईडी देना है जो आप यूज करते हैं, एक्टिव है। ठीक है, कोई भी इनवैलिड मेल आईडी आप गलती से भी मत देना, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट्स है, जो भी कम्युनिकेशंस है, सभी आपके यहाँ पे मेल के द्वारा ही होने वाला है। ठीक है, आपके पास अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी यहाँ पे डाउट्स है, तो आप यहाँ पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो भी आपको अपडेट्स देखने को मिलेगा वो रेगुलरली आपको चेक करते रहना है, ऑफिशियल वेबसाइट में सारे सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके पोस्ट वाइज पे स्केल एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एज वेल एज डिजर्वेबल क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, रजिस्टर जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है, लेवल 12 का रखा गया है, तो लेवल 12 के हिसाब से आपको आपका जो मिनिमम सैलरी है वो आपको लगभग 78,800 रुपीज पर मंथ मिलेगा, एंड जो मैक्सिमम सैलरी है वो 2 लाख के आसपास जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड डिजर्वेबल में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखा है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो भी आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डिजर्वेबल में रखा गया है, एसेंशियल में ग्रेजुएशन को, यहाँ पे ग्रेजुएशन की नीड है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं आपकी पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दूसरे पीडीएफ में जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट को दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 पेजेस का है, इसको पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, देन अच्छे से आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको यहाँ पे फिल कर देना है, देन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंड कर देना है, जो मैंने एड्रेस बताया उसी एड्रेस में, पिन कोड वगैरह बहुत अच्छे से डालना है आपको। चलिए अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट एम्स नागपुर का, यहाँ पे आके आपको देखिए रिक्रूटमेंट करके मिल जाएगा, तो करंट वैकेंसीज में जाके आपको क्लिक करना है, देन दूसरा एक टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आके देखिए, सबसे पहला जो पोस्ट है ग्रुप ए बी नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑफ ऑन डेपुटेशन बेसिस, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा 11th of November, तो 13th of October को ये रिलीज किया गया था, मतलब कल ही रिलीज हुआ है ये नोटिफिकेशन। एंड 11th of November मतलब 11 नवंबर तक आप यहाँ पे
अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद तीसरा और एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको नीचे एडवर्टाइजमेंट के लिए पीडीएफ मिल जाएगा, एज वेल एज यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट के लिए आपको यहाँ पे सेकंड लिंक में क्लिक करना है, तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है 10 वैकेंसीज के साथ, जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। मेरी दुआ यही रहेगी कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव एंड नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।